गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 9। इन लेसन 8 ब्राउनिंग वर्जन इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। इन द रिवाइज सिलेबस सीबीएसई ने क्या किया, आपके कुछ लेसन डिलीट कर दिए हैं और जो 8 चैप्टर आपका ब्राउनिंग वर्जन दैट वॉज ऑल्सो डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। सो वी आर गोइंग टू डू लेसन 9। लेसन 9 इज मैडम राइट्स द बस। मैडम, मैडम यहाँ इंडिकेट किया गया है एक एक गर्ल को, एंड राइड्स द बस यानी कि बस में वो यात्रा करती है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। द राइटर ऑफ दिस लेसन इज वलिकन्नम। वलिकन्नम इज अ लेडी एंड ही एक्सप्लेन द पर्सपेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे का व्यू वो शो करना चाहती है, हाउ ही थिंक्स, हाउ ही डज वर्क, व्हाट ही वांट्स, व्हाट शी वांट्स, वो सब ये इस गर्ल वली के थ्रू शो करना चाहती है। वली, वली जो है मेन कैरेक्टर है इस लेसन में, उसका फुल नेम है वली अम्मा, बट एवरीबडी कॉल्स हर वली इन लव, प्यार में उसको वली कहते हैं। शी इज 8 ईयर ओल्ड गर्ल, 8 ईयर ओल्ड गर्ल है, ऑलवेज फेवरेट पास्ट टाइम। जो वली है ही हैज नो फ्रेंड, शी हैज नो फ्रेंड, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। शी ऑलवेज स्टैंड नियर द मेन डोर गेट, हमेशा मेन डोर गेट पर खड़ी रहती है। हर हाउस इज नियर टू बस स्टैंड, सो एवरी बस कम आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 10 मिनट्स, 20 मिनट्स फ्रॉम देयर, एंड शी वॉच केयर। बसेज आती है उसके घर के पास से, उसका घर बस स्टैंड के पास है, वो बड़ी केयरफुली उन बसेस को देखती है। उसका यही फेवरेट पास टाइम है कि कैसे वो टाइम स्पेंड करती है बसेस को देखकर। उसके मन में भी इच्छा है, शी ऑल्सो वॉन्ट टू राइड ऑन दी बस, शी नेवर राइड ऑन दी बस, कभी भी उस बस में नहीं बैठी, सो शी वॉन्टेड टू राइड इन दी बस, में वो राइड लेना चाहती है। डोर पे आती हुई बसेस को देखती रहती है। थर्ड देखिए, वली विशेस फॉर अ बस राइड। She also wishes for the bus ride. One day, she decides that she should go for the ride and she wants to collect the money. तो किस तरह से वो पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट करती है। She was a very imaginative girl, but she was not talkative, ज़्यादा talkative नहीं थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती थी, कुछ ना कुछ उसके माइंड में इमेजिनेशन आती रहती। शी प्लान्स फॉर जर्नी, वन डे शी प्लान्स फॉर जर्नी, शी गो हेयर एंड देयर फ्रॉम हिज नेबर, हर नेबर, अपने नेबर्स के पास जाती है, उनसे पता करती है बसेस के बारे में। वैन बस केम, वैन इट गोज टू द सिटी, कब ये शहर में जाती है, तब इसको पता चलता है कि जो बस है सॉरी कि जो बस है हर एक घंटे में ये यहाँ से निकलती है, और इसको गाँव से शहर जाने में 45 मिनट्स लगते हैं, बिकॉज हिज विलेज, हर विलेज इज 46 किलोमीटर फार फ्रॉम द विलेज। जो टाउन है वो 6 किलोमीटर ही दूर है उसके गांव से, सो वहां जाने में 45 मिनट्स लगते हैं एंड 30 पैसे लगते हैं। उसको 30 पैसे भी कलेक्ट करने थे, देन शी डिसाइड टू कलेक्ट 30 पैसे। तो क्या करती है वो जब भी उसका कोई गांव में फेयर होता है, हर पेरेंट्स गिव हर मनी फॉर अदर थिंग्स, वो कोई भी चीज़ नहीं खरीदती, वो क्या करती है उन पैसों को कलेक्ट करती रहती है। उन पैसों को कलेक्ट करके जब उसके पास 60 पैसे हो जाते हैं, देन शी डिसाइड टू गो टू द गो टू राइड इन दी बस। फिर उसके बाद व्हेन शी स्टार्टेड हर राइड, शी मेट अ कंडक्टर इन द बस। बस में कंडक्टर थे, वो क्या देखते हैं कि स्मॉल गर्ल है, ही वॉन्ट टू हेल्प हर, उसको हाथ देते हैं, कहते हैं बेटा ऊपर आ जाओ, बट शी कह वो क्या कहती है, नो आई नो आई डोंट नीड एनीबडी एल्स, आई डोंट नीड हेल्प एनीबडी एल्स, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आई कैन डू एवरीथिंग अलोन, मैं हर चीज़ अकेले कर सकती हूँ। वो कंडक्टर बिकेम सरप्राइज, बड़ी सरप्राइज हो जाते हैं कि एक अकेली लड़की कैसे ही जाएगी, तो फिर वो उसको मैम कहना प्रारंभ शुरू कर देती हैं। तो इस पूरी स्टोरी में ना वो उसको वल्ली या किसी और नेम से नहीं बुलाते, मैडम के नेम से बुलाते हैं, ग्रोन मैडम, ग्रोन अप मैडम, यानी कि बड़ी बच्ची, बड़ी मैडम के रूप में बुलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, बस स्टार्ट हो जाती है, फिर जब वो बस में एंट्री करती है, बस इनसाइड एंड आउटसाइड, इसका मीनिंग है कि वो
कि बस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वो सीट के ऊपर बड़ा हाथ लगा के देखती है दैट एंड सेड दैट दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल सीट। तो उसको सीट बड़ी पसंद आती है। देवर कर्टेन्स ऑन द विंडोज, बस में जो विंडो थी उनमें कर्टेन लगे हुए थे। शी ऑल्सो लाइक दिस बट व्हेन द बस स्टार्टेड शी सेड दैट शी वंडर दैट शी कांट सी एनीथिंग, वो कुछ देख नहीं पा रही थी। तो वो क्या करती है, वो अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है। तो जब वो अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है तो जो कंडक्टर थे, कंडक्टर एंड बस ड्राइवर, वो क्या करते हैं, वॉर्न हर, वार्निंग देते हैं उसको, प्लीज सिट डाउन एंड अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, कि तुम बैठ जाओ अदरवाइज तुम गिर जाओगे। बट शी इग्नोर द वार्निंग। आफ्टर सम टाइम अदर पैसेंजर ऑफ द बस क्राइंग स्टार्टेड क्राइंग, चीखना स्टार्ट कर देते हैं, सिट डाउन गर्ल अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, कि बैठ जाओ अदरवाइज तुम गिर जाओगी। बिकॉज शी वाज अ लिटिल गर्ल, तो हर कोई उसको बड़ा गुस्सा आता है कि मुझे सारे व्यूज देखने को नहीं मिलेंगे अगर मैं बैठ जाऊँगी तो। तो उनको इग्नोर करके वो बैठती नहीं, वो बाहर जितने भी पेड़ ट्रीज थे, एनिमल्स निकल रहे थे, पैसेंजर थे अदर पैसेंजर, उनको वो देखती हुई चलती है और पूरा इंजॉय करते हुए चलती है। आफ्टर सम टाइम बस स्टॉप मैनी स्टॉपेजेस, बस बहुत स्टॉपेज पर रुकती है और वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे पैसेंजर नीचे भी आते हैं, बस में भी आते हैं और बाहर भी निकल जाते हैं, उतर जाते हैं बस से। तो क्या होता है, उसके जो सीट थी वो अपनी सीट पे पूरे फैल के बैठी थी, कोई भी मेरी सीट पर आकर ना बैठ जाए। बट एन ओल्ड लेडी केम देयर एंड सेट इनसाइड हर, उसके साइड में बैठ जाती है। तो वो क्या करती है, ओल्ड गर्ल ने बड़े बड़े इयररिंग्स पहने हुए थे एंड शी वाज स्पेटिंग द पान, पान को चबा रही थी। उसको बड़ा गुस्सा आता है बिकॉज सम टाइम्स स्पेट थूकती थी और वो इरिटेट हो जाती है। वो जो ओल्ड लेडी थी शी वांट टू टॉक दैट गर्ल, उस लड़की से बातचीत करना चाहती है, बिकॉज शी थॉट दैट अ लोनली गर्ल इज राइडिंग द बस, कि अकेली लड़की बस में यात्रा कर रही है। सो शी वांट टू टॉक हर बट वली इग्नोर्स, वली उसको इग्नोर करती है और कहती है माइंड टू योर ओन बिजनेस, तुम अपना काम करो, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। When she was riding in the bus, a cow came on the road. उसको रोड पे एक काउ दिखाई देती है। काउ, she was feeling very happy to see the cow. काउ को देख के बड़ा खुश होती है। जो काउ है बस काउ के पीछे थी, इसलिए गाय क्या कर रही थी, काउ क्या कर रही थी, कभी इधर घूमती कभी उधर टर्न करती, और साथ में जो उनकी टेल थी टेल को हिला रही थी, उसकी टेल को देख कर हिलते हुए she became so happy, बड़ी खुश होती है। इन द एंड वैन दे रीच द टाउन, तो क्या होता है, जब वो टाउन पहुँच जाती है तो जितने भी लोग थे सब बस से उतर जाते हैं, बिकॉज इट वॉज द लास्ट स्टॉपेज एंड मैनी विलेजेस पीपल वर इन द बस, वो सब शहर में जाने के लिए उतर जाते हैं। बस वली रिमेन इन द बस, बस में ही रहती है। उसको कंडक्टर है जो कंडक्टर कहते हैं कि तुम नीचे उतरो चलो तुम भी घूमाओ शहर में। बट शी सेड दैट आई हैव टू गो टू दैट विलेज इन द सेम बस, कि मुझे इसी बस में जाना है। तो कंडक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर घूम के आओ, आफ्टर सम टाइम यू कैन कम इन द बस, थोड़ी देर में तुम बस में आ जाना। बट शी सेड दैट नो, वो नहीं जाती क्योंकि उसको लगता है कोई उसकी सीट पर आकर न बैठ जाए, इसलिए वो नहीं जाती। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रिटर्न जर्नी। तो किस तरह से, जब वो फिर बस चल पड़ती है आफ्टर सम टाइम, बस स्टार्ट हो जाती है, जब वो रिटर्न कर रहे थे शी ऑल्सो इन्जॉइंग द व्यूज आउटसाइड, आउटसाइड के सारे व्यूज को वो इन्जॉय कर रही थी। बट शी बिकम डिसअपॉइंटेड व्हेन शी सॉ दैट द काउ विच एंटरटेन्स हर, वो काउ है जिसने उसको एंटरटेन किया था, एंड शी बिकेम सो हैप्पी टू सी द काउ दैट वॉज डेड ऑन द रोड, वो गाय मरी हुई थी। That seemed disappointed her. She became so sad to see that circumstance and how she died. She became so sad. So when she comes then return home, she was not happy. She was very sad. But when she reached at the home, she saw that her mother was awakened. उसकी मदर जाग चुकी थी and she was talking to her aunt and she doesn't ask any question to her, वो उससे कोई भी question नहीं पूछती, because she thought that when I turn back, जब मैं वापस जाऊँगी तो मदर मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछेगी, बट शी वॉज बिजी इन हर आंट्स टॉकिंग, उसके आंसर टॉकिंग करने में बिजी थी और वो अपने पूरी राइट, दैट वॉज द ड्रीम ऑफ वली टू राइड द बस, बस के ऊपर यात्रा करने का जिसका ड्रीम था वॉज फुलफिल्ड, अब पूरा हो चुका था, शी वॉज हैप्पी, बट टू सी द कंडीशन ऑफ काउ शी वॉज सो डिसअपॉइंटेड ऑल्सो. In the same way, you have to do that story, you have to read that story. The theme of the poem is that beta, we should be confident like Bali. In every situation, we have to face many conditions, but in every condition, we have to determine, confident, and don't lose courage. You have to read that lesson in your book. Thank you. Have a nice day.